क्या आप अपने आयोजनों को एक नए रंग में रंगने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आरके कैटरिंग लेकर आया है ऐसा ऑफर जिसमें होगी आपकी बचत ही बचत। आरके कैटरिंग खंडवा शहर वासियों के लिए बर्थडे, किटी पार्टी, मीटिंग्स, एनिवर्सरी, एंगेजमेंट, बेबी शावर और अन्य आयोजनों के लिए बैंक्वेट हॉल की व्यवस्था करता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। और यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि हमने सोचा है आपके लिए कुछ और भी खास। तो क्यों ना आज ही हमसे संपर्क करें और जाने अपने ऑफर का सस्पेंस जो है सिर्फ आपके लिए। आरके कैटरिंग एंड इवेंट्स, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने के लिए आपका इवेंट साथी। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पंधाना रोड स्थित धर्मकांटे के पास का ये नजारा आप देख रहे हैं, जहां लोगों ने एक चोर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। लोगों का कहना है कि चोर पंधाना रोड पर अभी कुछ देर पहले ही दुकान का ताला तोड़ रहा था और जिसे आने जाने वाले लोगों ने देख लिया, जिसके बाद लोगों ने उस चोर को पकड़ लिया है। और ये आप देख सकते हैं कि लोगों द्वारा चोर को पकड़ कर रखा गया, तो काफ़ी मौके पर हंगामे की स्थिति भी बन गई है। चोर जो है कहाँ का रहने वाला है ये अभी पता नहीं चला है। हालांकि चोर को पकड़ कर लोगों ने पकड़ लिया और लोगों द्वारा तुरंत चोर की डायल 100 को सूचना दी। डायल 100 की पुलिस जो है मौके पर पहुंची और चोर को पब्लिक ने जो है पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद चोर को पुलिस द्वारा, आप देख सकते हैं कि ये चोर को पुलिस द्वारा ले जाया जा रहा है। कोतवाली थाने का मामला बताया जा रहा है। ये धर्मकांटा स्थित का ये नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं कि एक चोर द्वारा एक दुकान का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास कर रहा था, लेकिन चोरी करने से पहले ही जो है चोर जो है आप देख सकते हैं कि पकड़ा गया है। भीड़ ने पकड़ लिया है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। दुकान के मालिक का कहना है कि दुकान खाली है, हालांकि दुकान रोड के किनारे रखी हुई थी जहां ये चोर के द्वारा ताला दुकान का तोड़ा गया है, जिसके बाद पब्लिक ने जो है आने जाने वाले लोगों ने इस चोर को दुकान का ताला तोड़ते हुए देख लिया और चोर को पकड़कर लोगों ने जो है पुलिस के हवाले कर दिया। डायल 100 की पुलिस मौके पर पहुंच गई। कोतवाली थाना क्षेत्र की ये घटना है, पंधाना रोड धर्मकांटे के पास की ये घटना बताई जा रही है, जहां एक दुकान का इस चोर के द्वारा ताला तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। ताला तोड़ने के पहले ही चोर को भीड़ ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर डायल 100 की टीम भी मौके पर पहुँच गई है, पुलिस टीम भी मौके पर पहुँच गई है और लोगों ने इस चोर को पकड़कर जो है पुलिस के हवाले कर दिया है। फिलहाल चोर को कोतवाली थाने ले जाया गया है। चोर कहाँ का रहने वाला है ये अभी खुलासा नहीं हो सका है। चोर धर्मकांटे के पास एक दुकान का ताला तोड़ने का और चोरी करने का प्रयास कर रहा था। चोरी करने के पहले ही चोर को जो है पब्लिक ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इसी को लेकर आसपास के जो लोगों की मौके पर काफ़ी बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई और चोर को जो है आप देख सकते हैं कि पुलिस को सौंप दिया गया है। इसको लेकर दुकान के मालिक ने क्या कुछ कहा ये भी हम आपको सुनवाते हैं। ये मेरी दुकान है। काय की दुकान है, क्या हुआ यहाँ पे? ये बहुत पुरानी है, बंगाली दुकान थी, बंद कर दी उसको। आज कल अभी को खबर आई कि बोले ताला तोड़ रहा कोई चोर, बोले तो ताला टूटा नहीं उससे, वो मारा कुटी कर रहा था, एक टूट गया, फोन वगैरह है और एक ताला तोड़ लिया उन्होंने। क्या कुछ ले गया? नहीं अभी कुछ लेके नहीं गया, अभी तो ताले तो अच्छे के अच्छे हैं। फिर आप लोगों ने क्या पकड़े उसको अभी? पब्लिक ने पकड़ लिया, पब्लिक ने पकड़ के पुलिस वालों को हवाले कर दिया। अरे वो मक्खन भेस वाले ने मेरे को घर जाके आवाज, घर जाके बुलाया मेरे को, आवाज दिया, बोले चाचा मेरे को सोया हुआ था तो मेरे को उठाया, बोले चाचा बोले पजामा पहनो, बोले क्यों? अरे बोले छोकरा है, बोले ताले तोड़ रहा है, तो जैसे कपड़े पहन के मैं पजामा पहना और गाड़ी लेके आया। फिर क्या आपने पकड़ के उसको सौंप दी? मैं उसको उसको भगा रहा हूँ तो भाग ही नहीं रहा हूँ। दो तीन लोग थे, फिर अभी आपने दो और बोले वो भग गए। बोले ये काय की दुकान है अभी आपकी? अभी तो बंद पड़ी है, खाली पड़ी है, खाली पड़ी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद सलीम पवार है। मैं अपना शकील पवार।